नमस्ते, मसाला बाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सोयाबीन की वड़ी वाले चावल। सोयाबीन की वड़ी वाले चावल के लिए हमें चाहिए एक कटोरी वड़ियाँ, जिन्हें मैंने पानी में आधा घंटा पहले भिगोकर रखा था। अब उन्हें पानी से निकालकर निचोड़कर रख लिया है। एक कटोरी बासमती चावल, दो प्याज स्लाइस किए हुए, एक छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, कुछ खड़े मसाले, दो तेज पत्ता, दो मोटी इलायची, दो हरी इलायची, चार लौंग, रिफाइंड ऑयल और पानी आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले हम चावल को आधा घंटा पानी में भिगोकर रख देंगे, इससे चावल जल्दी बनते हैं। अब हम गैस पर कुकर रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और दो कड़छी रिफाइंड ऑयल डालकर मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब उसमें डालेंगे खड़े मसाले। सबसे पहले डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, मोटी इलायची, लौंग और छोटी इलायची डालकर आधा मिनट खड़े मसालों को भून लेंगे। गैस मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें डालेंगे स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज डालकर मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट पिंक होने तक प्याज को भून लेंगे। प्याज फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला। अब सोयाबीन की वड़ी डालकर 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पर वड़ी को मसालों के साथ भून लेंगे। 2 से 3 मिनट वड़ियां फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। हमारे जितने चावल हैं उतना ही हम पानी लेंगे। मैंने एक कटोरी चावल लिया है तो एक कटोरी ही पानी डालेंगे। अगर आपने चावल पहले नहीं भिगोए हैं तो आप उसमें 1.5 कटोरी पानी की डाल देंगे। पानी डालकर कड़छी से हिला देंगे और कुकर बंद कर देंगे। मीडियम आंच पर 2 विसल आने तक चावल को पकने देंगे। दो विसल आ चुकी हैं, गैस बंद कर दी, कुकर की स्टीम निकल चुकी है। अब हम प्रेशर कुकर खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि सोयाबीन की वड़ी वाले चावल तैयार हैं। अब हम इन्हें एक सर्विंग प्लेट में डालेंगे। हमारे सोयाबीन की वड़ी वाले चावल तैयार हैं। आप इन्हें दही, अचार या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको सोयाबीन के वड़ी वाली चावल की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। मसाला बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।